वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंडी लव चैनल। मैं हूँ दीपक फैज और अभी हम आए हैं गीपर मार्केट। यहाँ पे हमें फैज भाई की बिल्ली के लिए कैरी बैग लेना है जो कि कल इंडिया जा रही है। और अभी हम आ चुके हैं गीपर मार्केट के पेट शॉप और यहाँ पे हमने अभी अपने बैग के लिए ऑर्डर दिया। हमने जब यहाँ पे बताया कि हमें स्पेशल प्लेन के लिए बैग चाहिए तो इन्होंने बोला कि हमारे पास अभी वो बैग अवेलेबल नहीं है, पर हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं करीब 2 घंटे के बाद। तो हम लोगों ने बोला कि हम 2 घंटे तो यहाँ पे रुक नहीं सकते, तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग अपने घर पे जाइए और हम आपको ये बैग भिजवा देंगे। तो ये जो पेट शॉप है, ऐसे पेट शॉप यहाँ पे कई जगह पे आपको मिल जाएंगे। इन पेट शॉप्स पे आपको पेट्स से जुड़ी हर एक चीज़ मिल जाती है। आप पेट्स ले सकते हैं, जैसे कोई पैरट हो गए या टर्टल्स या कैट्स, जो भी आपको जिस तरह के पेट्स आपको पसंद है उस तरह के पेट्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए आपको एक नज़र यहाँ के पेट शॉप्स दिखाते हैं। ये है पेट्स से जुड़े सारे उनके फूड्स। बिल्लियों के नाखून को साफ करने के लिए साफ करते हैं या छोटे करते हैं बिल्लियों जो भी। Say why you're a stranger now. Your eyes escape from mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. और आज है July 21 और मेरी सिस्टर और आपने कल देखा ही होगा, कल का एक ब्लॉग बनाया था इसमें। इसके पहले मैंने बताया ही था कि फैज, मेरे फ्रेंड फैज और उनकी कैट और वो भी अपने सिस्टर्स के साथ आज वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया जा रहे हैं और इसी के तहत मेरी सिस्टर भी जा रही हैं। मैं नहीं जा रहा कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, तो उन्हें आज ले जाना है एयरपोर्ट। इसके लिए मिसेस के साथ जा रहे हैं ATM, वहाँ पे हम पैसे निकालेंगे और फिर हमारी प्यारी सिस्टर को हमसे दूर भेज देंगे। यहाँ के ATMs में एक खास बात ये है कि आप वाईफाई के थ्रू केवल बाहर से ही बस पंच करके ATM कार्ड को और अपना पासवर्ड डाल के पैसे निकाल सकते हैं। अब जाके करनी है सिस्टर की पैकिंग। क्यों जी, सिस्टर की बैग पैकिंग? या यू विल हेल्प हर? ऑफ कोर्स, विदाउट योर हेल्प आई डोंट थिंक दैट शी कैन गो समवेयर। शी कैन डू एवरीथिंग, आई थिंक सो। तो उसके बाद से हम करेंगे टैक्सी को कॉल और चलेंगे एयरपोर्ट। तो अभी हमारी टैक्सी आ चुकी है और हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ये ट्रिप जो है वंदे भारत, आपने सुना होगा, एक्चुअली कोरोना टाइम में सारे इंटरनेशनल फ्लाइट रुक गए थे और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स टूरिस्ट सारे फंस गए फॉरेन कंट्रीज़ में और उनको बाहर ले जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट सबको एक साथ तो ले नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाला है जिसमें सबसे पहले इंडियंस फंसे हुए हैं फॉरेन में उनको ईमेल करना होता है, एम्बेसी उनके पास ईमेल भेजती है और फिर वो जाते हैं। एनीवे, मैं पर्सनल रीजन से इंडिया जा नहीं रहा हूँ, पर मेरी सिस्टर जा रही है और फैज मेरा फ्रेंड
स्टार्टिंग में काफ़ी महंगी फ़्लाइटें थी, पर अभी करीब 30,000-35,000 की फ़्लाइटें हो गई हैं, जो कि अफोर्डेबल प्राइस है इंडिया जाने के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं बेसलान एयरपोर्ट। हमने मेरी सिस्टर का चेक इन करा दिया है और अभी दिखाता हूं आपको यहां का बेसलान का एयरपोर्ट मॉडल। तो ये है यहां का एयरपोर्ट मॉडल। बेसलान का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल उड़ानें होती हैं और यूरोप में ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा बड़े एयरपोर्ट, एक्सपेंसिव एयरपोर्ट नहीं बनाया जाता है, पर इंटरनेशनल उड़ानें वहाँ से होती हैं ताकि ये सुविधा सबको मिलती है कि अपने शहर से कहीं भी कोई भी जा सकता है। तो अब मेरे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, क्षितिज, फैज़, सिस्टर, सब लोग आ चुके हैं और इंडिया के लिए। कैसा लग रहा है भाई, इंडिया जा रहे हो? अच्छा लग रहा है, घर जा रहे हैं। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है यार। अरे यहीं रह रहे हो तो क्या होगा? We have to go now. We will miss you. चलिए। They are all my friends. Happy journey भाई लोग। Happy journey, Sana. और फैज इधर। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। यू विल मिस सर। फैज की बिल्ली का पासपोर्ट चेक किया जा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अच्छे हैं कि नहीं है, इसकी स्टोरी मैं आगे आपको बताऊंगा। बाय बाय। सारे मेरे फ्रेंड्स, सिस्टर और फैज और दिव्या का बोर्डिंग हो चुका है और अपने प्लेन का वेट कर रहे हैं और हम अपने अपार्टमेंट वापस जा रहे हैं। एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको कोई पेट यहाँ किसी अनदर कंट्री से अपने कंट्री में ले जाना है तो यहाँ का प्रोसेस काफ़ी आसान है। अगर आपको प्रोसेस अच्छे से पता है तो कोई भी परेशानी होगी नहीं। जैसे कि फैज की कैट बेला, उसको इंडिया ले जाना था तो उसके लिए सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। मेडिकल चेकअप में उसको देखा गया था कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है,
और ऐसे ही बहुत सारे चेकअप होने के बाद वेटरनरी डॉक्टर पासपोर्ट पे लिखती है जैसे कि कैट ट्रैवल के लिए फिट है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए कैट फिट है। आप आगे के जो फुटेज देख रहे हैं ये मेरे दोस्त फैज़ ने अवेलेबल कराई है। ये इंडिया पहुंचने के बाद कुछ पेपर चेकिंग का वेट किया जा रहा है, जो सब लोग जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको क्वारंटाइन में जाना होगा 14 दिन के लिए, उसके बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल, जहाँ पर हमें हर वक्त पैसेंजर की भीड़ नज़र आती थी, आज वहाँ सिर्फ कुछ ही पैसेंजर देखने को मिल रहे हैं। वो भी वो लोग हैं जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से अपने देश वापस आ रहे हैं, और किस तरह ये लोग ज़मीन पर बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आपने रेलवे स्टेशनों पे देखा होगा। मॉस्को से चली हुई फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई सुबह के 5 बजे, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के स्टूडेंट्स अपना क्वारंटाइन का पेपर वर्क कम्प्लीट करा के एयरपोर्ट के बाहर आ पाए शाम को 5 बजे। 12 घंटे तक इन लोगों ने एयरपोर्ट पर अपने टर्न का वेट किया।